नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो अगर आपने मंथन में आके नॉनवेज नहीं खाया तो कहीं भी नहीं खाया। फिलहाल मंथन में है, अंदर चलते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पुराना जो है वो यहां पे आपको ढाबा बता रहा हूं, सबसे पुराना ढाबा यही है। यहाँ एक ही दुकान हुआ करती थी, धीरे धीरे जो है इसका जो है वो काम काफ़ी बढ़ चुका। और आज की डेट में अगर आपको बता दूँ तो तकरीबन जो है वो 20 से 30 दुकानें जो हैं वो नॉन वेज की जहाँ पे खुल चुकी हैं। भारी तादाद में लोग जो हैं जहाँ पे खाना जो है वो पसंद करते हैं। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं वो यहाँ पे नॉन वेज खा रहे हैं। और क्योंकि दोनों तरफ की, अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो दोनों डिस्ट्रिक्ट नज़दीक पड़ते हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ से भी लोग जितने भी आते हैं उनके पास भी ये नज़दीक है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी जो जितने भी लोग आते हैं उनके लिए भी नज़दीक है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग जो हैं वो जहां पे आकर जो है नॉन वेज खाना जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं। ये आप दिखा, एक नज़ारा जो आप दिखा रहा हूँ, नॉन वेज जो है वो बनता है यहाँ पे। मन जिसका जिससे जैसे चाहे वो वैसे ही बनवा सकता है। ये काफ़ी पुरानी दुकान है, मैं भी जानता हूँ कि सबसे पहले ये एक ही दुकान यहाँ पे हुआ करती थी। धीरे धीरे ये दुकानें जो है वो बढ़ती गई और आज की डेट में ये आप देख रहे हैं जो चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है उसी ढंग से ये नॉनवेज जो है वो बनाया जाता है। कुछ लोगों से भी बात करूँगा, उनसे भी पूछूँगा कि आखिर जम्मू शहर में भी बहुत सारी दुकानें हैं और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारी दुकानें हैं, मगर यहाँ पर आके एक अलग सा जो है वो स्वाद आता है। लोगों से भी बात करते हैं और जो जहाँ के ऑनर हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्यों लोग जो है भाई नॉन वेज पसाना खाना जो है वो पसंद करते हैं। संजू जी, क्या नाम है आपका? केबल क्रिएशन सर। केबल क्रिएशन भी देख रहा हूँ, काफ़ी 20-30 सालों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी फेमस। हाँ जी, क्या मटीरियल यूज किया जाता है इसमें? हाँ जी, मसाले डालते हैं गर्म। हाँ, अपने देसी मसाले होते हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी। तो मुर्गा? मुर्गा एक बड़ा होता है, एक छोटा मुर्गा होता है। हाँ जी, देसी की तरह होता पूरा। हाँ जी। वैरायटी सिर्फ एक ही है, मुझे एक तंदूरी है जी। आपका नाम? मेरा नाम राम है जी, राम कुमार। राम कुमार जी, कितनी पुरानी दुकान है ये? सर जी, बहुत पुरानी है ये, 40 साल पुरानी दुकान है। 40 साल? जी जी। तो कितनी वैरायटी जो है वो, कितनी वैरायटी यहाँ पे बनाई जाती है? यहाँ पे हैं चिकन तंदूरी भी होते हैं, चिकन मसाला होता है, कोटा कलेजी होती है, बाकी रोटी चावल बटर नान लच्छा पराठा चावल सब है। बनाने का तरीका, चिकन तो हर बंदा बनाता है, तो ऐसा क्या है कि लोग जहाँ पे रुकते हैं? तरीका यही है कि देसी की तरह बनाते हैं हम, देसी मसाले देसी यूज करते हैं, बाकी देसी की तरह ही बनाते हैं बस। अलग कुछ नहीं है सर, अलग कुछ नहीं। हाँ जी। देसी तरीके से जो है वो बनाते हैं, इसमें कोई भी जो है ज़्यादा मसालों का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। लोकल जो जहाँ के मसाले हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दो कि 30 से 40 साल ये दुकान जो है वो काफ़ी पुरानी है, 30 से 40 साल पुरानी दुकान ही है। और यहाँ पे लोग आकर जो है वो चिकन खाना जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं। जो आपको दिखा रहा हूँ कि भारी तादाद में लोग जो है वो सैलानी जितने भी यहाँ से कश्मीर के रवाना होते हैं जहाँ पर रुके हुए हैं और ये स्वाद जो है जहाँ का ले रहे हैं। कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं, स्वाद ले रहे हैं यहाँ पे, इनसे बात करें। सिंह साहब हैं हमारे साथ। सिंह साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमीत पाल सिंह है जी, मैं जम्मू से आया हूँ, बख्शी नगर से। मैं स्पेशल इस ढाबे का नाम सुना हुआ है, कृष्णा नॉनवेज ढाबा, मैं स्पेशली इधर खाने आया हूँ। मज़ा आता है खाने का, जो भी है मेरी फैमिली पूरी खा रही है पीछे, मज़ा आता है जो भी है, इनका हर चीज़ में टेस्ट है। हम जम्मू से उठ के स्पेशली इधर, जब भी इधर का टूर लगता है हमारा, हम इधर खाने आते हैं। डिफरेंट लगा आपको जम्मू से और इधर का? जमीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे सिर्फ मेरे को लगता है मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इधर नहीं, इधर जो भी है सब कुछ प्योर चीज़ मिल रही है। मज़ा आता है, सारी फैमिली एंजॉय कर रही है मेरी पीछे खाने में लगी हुई है, कहते खाना है तो इधर ही खाना है नहीं तो नहीं। मंथल मशहूर है जगह, जो भी है ये मशहूर जगह है। क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो? मैं तो अपने दोस्तों को भी यही चाहता हूँ कि अगर जब भी इस रूट पर जाएँ यहाँ से खा के जाएं, बिल्कुल मज़ा आता है, स्वादिष्ट खाना है। फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार मंथल में जो नॉनवेज बनता है वो क्यों इतना फेमस है। क्या नाम है मैडम आपका?
हाँ जी, मैं वंचिता उधमपुर से हूँ। अभी श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा चिकन का। आई एम द चिकन लवर, बहुत मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन काट सकती हूँ बिना चिकन के। तो 4 दिन के बाद मुझे फिर से, जिसको कहते हैं, अमल पड़ जाता है चिकन का। तो अभी हम स्पेशल यहाँ पर चिकन खाने आए हैं। तो मैं जितने भी कटरा के निवासी हैं, उधमपुर के लोग हैं, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि वो सभी यहाँ पे मंथल में चिकन ज़रूर खाएं। डिफरेंट तो कुछ नहीं है, तो चिकन ही है, तो डिफरेंट कुछ नहीं है। बस ये है कि टेस्ट जो है, यहाँ का टेस्ट जो है वो अच्छा टेस्ट है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रिया है और मैं जम्मू से हूँ। हम स्पेशली यहाँ मंथन का चिकन खाने आया। इतने रास्ते में हमने चिकन के स्टॉप छोड़े, पर हमने यहीं का खाना था क्योंकि यहाँ का बहुत फेमस है और टेस्ट भी ऑब्वियसली बहुत है। तभी हम यहाँ स्पेशल सब फैमिली के साथ चिकन खाने आए हैं। सबको मैं यही बोलूँगी कि स्पेशली यहाँ का चिकन खाएं। हमारा यूनिवर्सिटी भी यहाँ से पास पड़ता है, तो वहाँ से भी बच्चे स्पेशल चिकन खाने यहीं पर आते हैं। तो टेस्ट है यहाँ का, सब शहर के ही आते हैं। नहीं, इतने मसाले नहीं है, पर पता नहीं एक ना ट्रेंड बन गया यहाँ का और बड़ी फेमस हो गई है जगह। ये स्वाद से ही ना, एक मतलब इनके चिकन में ही स्वाद है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पे आया हूँ, जो टेस्ट किया ना, टेस्ट में आपको रेटिंग दूँ 10 out of 10, मैं 15 दे सकता हूँ। इतना टेस्टी इनका चिकन है। हाँ जी, और मैं अपने रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स को भी और कि यहाँ पे आए हैं, विजिट करें। तो जो इनका नॉन वेज है, स्पेशली लाजवाब है। जो जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट चिकन मिलता है ना, वो यहीं पे मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी, जम्मू कश्मीर का अगर आपको चिकन मिलेगा, बेस्ट चिकन मिलेगा, तो सिर्फ यहीं पे मंथल में मिलेगा। लोगों से भी हमने बात की और जो जहाँ के ऑनर हैं उनसे भी हमने बात किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि इसमें जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो मिलावट नहीं किया जाता है। लोकल जहाँ के मसाले जो है वो उसमें यूज़ किए जाते हैं, और दूर दूर से जितने भी सैलानी जहाँ उसके साथ साथ जम्मू और उधमपुर के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आके जो है वो खाना, चिकन खाना जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं। टेकवर्ल्ड की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ श्याम सुंदर, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।